न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया ने दो बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फैंस के मन में सवाल है कि आखिरकार क्यों इन दोनों को टीम से बाहर किया गया। सिर्फ तीन ओडीआई की बात थी, इन दोनों को खिलाया जा सकता था, लेकिन फिर भी टीम सिलेक्टर्स ने इन दोनों को आराम देने का फैसला किया। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के खिलाफ टीम बताते हैं कि रोहित शर्मा की अगुवाई में कौन कौन से खिलाड़ी बांग्लादेश जाने वाले हैं। रोहित शर्मा, केएल राहुल, वाइस कैप्टन शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन। ये सभी खिलाड़ी बांग्लादेश में आपको ओडीआई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो मिस्टर 360 हैं वो आपको नहीं दिखेंगे और हार्दिक पांड्या भी आपको नहीं दिखने वाले। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रेक क्यों दिया गया, या यूं कह लीजिए इन्हें बाहर क्यों रखा गया, ये भी आपको बताते हैं। सूर्य कुमार यादव ने जब से T20 क्रिकेट में डेब्यू किया है तब से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 डेब्यू के बाद से स्काई टीम का हिस्सा है। 2021 में स्काई ने T20 में डेब्यू किया था और 2022 तक अभी तक वो 42 मैच खेल चुके हैं जिसमें 1408 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप के बाद स्काई न्यूजीलैंड दौरे का भी हिस्सा है और लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि वर्कलोड कम किया जाए और उनको रेस्ट दिया जाए। पांड्या वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड गए थे जहाँ पे T20 के कप्तान थे, सीरीज जिताई, उसके बाद उनको बैक इंजरी ना हो जाए या उनको कोई चोट ना आ जाए भविष्य में, इसलिए उन्हें आराम दिया गया है। तो इन कारणों से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को बाहर रखा गया है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये मुकाबले कब होने, क्योंकि अभी तो टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है, तो न्यूजीलैंड का दौरा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद बांग्लादेश के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 4 दिसंबर को मीरपुर में होगा, दूसरा वनडे मुकाबला 7 दिसंबर को मीरपुर में, तीसरा वनडे मुकाबला 10 दिसंबर को मीरपुर में खेला जाना है, यानी कि सभी मुकाबले जो है वो मीरपुर में होंगे। ये मुकाबले अब आप कब देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देश का अलग अलग टाइम जोन होता है। जैसे कि न्यूजीलैंड में आप 7 बजे से वनडे मुकाबले देखेंगे, लेकिन आप बांग्लादेश के मुकाबले कब देख सकते हैं, तो आपको बताते हैं 11:30 बजे से बांग्लादेश में वनडे मुकाबले शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप दोपहर से पहले मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। दोपहर 11:30 बजे के करीब आप ये मुकाबले देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इन मुकाबलों को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ये मुकाबले आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेंगे। तो बांग्लादेश की सीरीज जो है वो अगले महीने होने वाली है, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। स्काई नहीं होंगे इसमें, आपको हार्दिक पांड्या नहीं दिखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन जैसे बड़े नाम बांग्लादेश दौरे पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ रोहित एंड कंपनी को इतिहास रच पाती है या फिर नहीं।